सो हे दोस्तों, तो कैसे हो? एक और इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बहुत ही ट्रेंडी टॉपिक है रेडमी नोट 5, शाओमी का रेडमी नोट 5 और शाओमी का रेडमी नोट 5 प्रो। तो दोस्तों, हम लोग इनकी दोनों को कंपेयर करेंगे कौन सबसे बेस्ट मोबाइल है बजट में। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों को कंपेयर करके बताऊँगा कि कौन सबसे बेस्ट मोबाइल है। और दोस्तों, काफ़ी लीक हो रही हैं इन मोबाइल की स्पेसिफिकेशन को लेकर, इनकी बॉडी डिज़ाइन काफ़ी, हालांकि कल लॉन्च होने वाला है, लेकिन आपको मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ इनकी स्पेसिफिकेशन जो कि अभी अभी लीक हुई है। तो कल तो आ ही जाएंगे, इसके लॉन्च हो जाएंगे ये मोबाइल, देखते हैं कौन होता है। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शाओमी रेडमी नोट 5। तो इसकी आपको यहाँ पर फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। स्क्रीन साइज आपको 5.99 इंच की मिल जाती है और यहाँ पर आपको रिजोल्यूशन 1080x2160 पिक्सल के मिल जाते हैं। बात करते हैं स्टोरेज की, तो स्टोरेज आपको 32 GB की मिल जाती है। यहाँ पर प्रोसेसर आपको ऑक्टा कोर मिल जाता है, रैम आपको मिल जाती है 3 GB और यहाँ पर रियर कैमरा आपको 16 MP का मिल जाता है, फ्रंट कैमरा 8 MP। और OS की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉयड 8.0 जो है ओरियो में अपडेट मिल जाता है। आप बैटरी कैपेसिटी बात करते हैं तो 4100 mAh की बैटरी मिल जाती है। और इसकी आप बात करते हैं Redmi Note 5 Pro की, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत इसके फीचर्स मिल जाते हैं अच्छे। तो बात करते हैं यहाँ पर, देख सकते हो डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले तो आपको एक ही मिल जाती है 5.99 inches की इसमें भी। और यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर OS की, तो इसमें आपको नौगट अपडेट मिलेगा। Redmi Note 5 में ओरियो था तो इसमें आपको एंड्रॉयड का 7.1.2 नौगट ही मिलेगा। बात करते हैं इसमें स्टोरेज की, तो स्टोरेज यहाँ पर आपको 32 GB तक, 64 GB तक मिल जाती है। और रैम की बात करें तो 3 GB यहाँ पर रैम मिल जाती है। कार्ड स्लॉट की बात करें तो माइक्रो SD अप टू 256 GB तक आप बढ़ा सकते हो। और यहाँ पर डुअल कैमरा आपको मिल जाते हैं जो कि 12 MP प्लस 5 MP के मिल जाते हैं, प्लस LED फ्लैश के साथ। और आपको डुअल यहाँ पर कैमरा मिल जाते हैं और फ्रंट कैमरा यहाँ पर आपको 20 MP मिल जाते हैं जो काफ़ी अच्छी आपको फ्रंट कैमरा की फ़ोटो देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी कमाल का बजट फ़ोन लगता है ये Redmi Note 5 Pro, देखते हैं ये लॉन्च होता है कि नहीं। तो बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4000 mAh बैटरी मिल जाती है, जो उसमें 100 एक्स्ट्रा बैटरी मिल जाती है, तो इसमें भी थोड़ा कम हुआ है। लेकिन ये सबसे लगता है बेस्ट मोबाइल रहेगा अब तक का बजट फ़ोन Redmi Note 5 Pro, क्योंकि इसमें काफ़ी कमाल की यहाँ पर आपको प्रोसेसर 362 का प्रोसेसर मिल जाता है जो काफ़ी हाई प्रोसेसर कहलाता है। इस मोबाइल में अगर आता है तो काफ़ी बजट फ़ोन के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन मोबाइल मिलेगा। आप लुक की बात करेंगे तो यहाँ पर आईफोन X जैसा आपको कैमरे की लुक देखने को मिल जाती है इसमें, आगे से बहुत ही अच्छा लुक दे देता है और पीछे से यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है इस मोबाइल में। और यहाँ पर बात करेंगे तो आपको Redmi Note 5 में भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा जैसे कि Redmi Note 4 और वगैरह में मिलता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सारे लोगों को पता चल सके इन दोनों मोबाइल को कंपेयर करके कौन इसमें से सबसे बेस्ट है। तो मुझे तो Redmi Note 5 Pro सबसे बेस्ट लगा। अगर इसकी प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस भी यहाँ पर 10 से 13 या 15 हज़ार ही होना चाहिए इनकी प्राइस। देखते हैं, अब कल लॉन्च है तो देखते हैं कौन सा मोबाइल लॉन्च होता है यहाँ पर। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ठोक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।